जिला मुख्यालय नाहन स्थित इंडोर स्टेडियम में अंडर 19 और सीनियर वर्ग की राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने एसोसिएशन को प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि जिला सिरमौर में हो रही इससे राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता से जिला सिरमौर के खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। युवा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता से मोटिवेशन लेकर जिला और राज्य स्तर के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। इसके साथ साथ खिलाड़ियों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन का भी इस प्रतियोगिता के माध्यम से मौका मिलेगा। उन्होंने इस प्रतियोगिता को सिरमौर में करवाने के लिए राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन और सिरमौर बैडमिंटन एसोसिएशन का धन्यवाद किया तथा प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। बड़ी प्रसन्नता की बात है जिला सिरमौर के लिए कि हमारा जो स्टेट लेवल अंडर 19 और सीनियर टूर्नामेंट है उसके लिए जिला सिरमौर को चुना गया है और मैं इसके लिए एचपी स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन है उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इससे जहाँ पे हमारा जिला सिरमौर के खिलाड़ियों को बाकी खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, बाकी आने वाले समय में इस टूर्नामेंट से मोटिवेशन मिलेगी खिलाड़ियों को और भी बच्चे जो हैं वो जिला और स्टेट लेवल पर जो खेलने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो मैं सर्वप्रथम सभी को जो है वो हार्दिक बधाई देना चाहूँगा सभी खिलाड़ियों को और जो हमारी टीम है, जो हमारी एसोसिएशन है एसपी साहब की अध्यक्षता में जो बनी है और जो के शर्मा हमारे स्टेट लेवल बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रधान हैं, इनका भी मैं आभार इसमें व्यक्त करना चाहूँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ ज़िला सिरमौर बैडमिंटन एसोसिएशन को कि जिनके प्रयासों से ये इतना बड़ा जो आयोजन है ये किया जा रहा है और इस बात की मुझे खुशी है कि बहुत समय बाद कुछ ऐसी अपरिहार्य कारण रहे हैं कि हमें दोनों मैच दोनों इवेंट्स जो हैं अंडर 19 और सीनियर इकट्ठे करने पड़ रहे हैं और चूंकि बहुत बड़ा एक काम था, जायजेंटिक टास्क था और हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन इन टैंडम विद डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन सिरमौर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें जैसे मैंने कहा कि अंडर 19 भी हैं और सीनियर्स भी हैं, दोनों का मिश्रण है। ये कार्यक्रम आज से चार तारीख तक चलेगा। इसमें 120 से अधिक प्रतियोगी सम्मिलित हुए हैं और हमारे 25 के आसपास हमारे जिसमें टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, लगभग 150 के आसपास यहाँ सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे और ये हमें इस बात की खुशी है कि जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं ये इससे हमारी प्रतिभा का प्रखर रूप से निखरेगी और इस अंडर 19 और जो सीनियर है इससे जो भी बच्चे निकलेंगे, हमारा अभी हमारा नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हो रही है जम्मू में 8 तारीख को, उसमें से जो यहाँ से जिस दिन का सिलेक्शन होगा वो हिमाचल प्रदेश को जम्मू में नॉर्थ जोन में रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें अंडर 19 इसमें सिंगल भी है, डबल भी है और ये मिक्स डबल भी है।